तो जी अम्मी जान अलहमदुल्ला से हम इधर पहुंच आए हैं और अम्मी जान से मुलाकात भी होगी और सब औरतें भी इधर आई हुई हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह चावल भी आ चुके हैं और बच्चे भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं, तो वीडियो से आप लोगों ने जुड़े रहना है। तो आज हम जा रहे हैं आज से फैमिली के घर, क्योंकि आज जुमा रात है, आपको पता है। तो अल्लाह ताला जो है ना उनकी ये जुमारात को कबूल फरमाए, आमीन आमीन। तो आसिफ भाई ने दो तीन बार कहा है कि आज आपने लाजमी आना है। वैसे भी हम जाते हैं, चक्कर लगता रहता है और आसिफ भाई भी आते रहते हैं इधर। तो हमने सोचा कि अभी यहाँ से चलते हैं, क्योंकि 4 का टाइम हो रहा है तकरीबन। तो 4 बजे असर की नमाज के बाद बद खत्म दिलाते हैं, तो चले। उसने वैसे टाइम तो दिया है 5 बजे का, ठीक है ना, लेकिन अभी 4:20-4:25 हो रहे हैं, तो जाते जाते हमें 10-15 मिनट तो और लग जाएंगे। हाँ। और आपकी तबीयत सही है? हाँ, तो जी व्यूवर्स आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना इंशाल्लाह। और रात आपने बहुत ज़्यादा दुआएं की उस बहन के लिए भी और हम सब के लिए भी। तो आप सब बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना ज़्यादा हमारी वीडियो को देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये चैनल का जो काम है इस पर आप सब बहन भाइयों की सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो चैनल चलते वरना नहीं चलते हैं। जी बिल्कुल। तो आधी हमारी मेहनत होती है, आधी आप लोगों की होती है। तो अभी आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी इंशाल्लाह, उनकी फैमिली से मुलाकात भी होगी। तो वीडियो से आप लोगों ने जुड़े रहें। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि मौसम भी आज थोड़ा अजीब बना हुआ है, बादल भी आए हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश ना, क्लियर नहीं है मौसम आज, काफी ज्यादा चेंज हुआ है। अभी हम रास्ते में हैं, तो ये जनाब कह रहे थे बीच वाले रास्ते से आते हैं, लेकिन मैंने कहा कि इस साइड से चलते, क्योंकि इधर का माहौल बहुत ही प्यारा लग रहा होता है। शाम के टाइम में तो वैसे भी अच्छा लगता है। तो सब लगता है कि दावत पे आसिफ भाई की शॉप ही बंद है, तो वो भी घर होगा, क्योंकि ऐसी बात है काम काफी सारे होते हैं। जी चलो। अच्छा, तो जी अभी जो है ना आसिफ फैमिली के पास पहुंच आए हैं, गेट पे हैं। तो मैं फैमिली के साथ बस थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे जी, अलग में तो सबके सामने तो नहीं बना जी, बिल्कुल हम अंदर बना लेंगे। काफी सारे लगते होते हैं जी। और आज आसिफ भाई का घर भी देखेंगे। कौन सा, परले वाला? हाँ। आपने नहीं देखा? नहीं। मैंने तो कई दफा देखा हुआ है। आपने भी देखा है? दूर से देखा है? वीडियो में कभी कभार देखती हूँ, ऐसे सामने आते हैं तो जब इधर ही आ जाते हैं, आगे कभी जाए गए नहीं। आज आगे जाएंगे, आसिफ फैमिली का घर आपको विजिट करवाऊंगा। तो जी माशाल्लाह बच्चे जो है ना वो इकट्ठे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है? आगे हो, चावल खाए हैं? सलाम तो करो। क्या हाल है? ठीक हो जी जनाब? तो जी यह आसिफ फैमिली का घर, थोड़ा सा आज विजिट भी करवाएंगे और इंशाल्लाह आपसे बातचीत भी करेंगे, आसिफ से भी, उसकी फैमिली से भी गाल गार। तो जी अम्मी जान इधर पहुंच आए हैं और अम्मी जान से मुलाकात भी होगी और सब औरतें भी इधर आई हुई हैं। तो बाहर भी काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन अभी दावत शुरू नहीं किया, क्योंकि आसिफ भाई भी अभी घर पे नहीं है, शायद किस काम से। मैं बाहर जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ। क्या हाल है अम्मी जान बाजी? तबीयत से ठीक है? पहले तो ये बताएं परेशान क्यों हैं? परेशानी तो थी जले एक बंदा घर ही चला अपनी, परेशानी थी जी, सब फैमिली इकट्ठी थी वे, दे परेशानी नहीं थी जी। बिल्कुल सही गाल है, तो सब आए हुए हैं जो है ना, अम्मी जान भी इनकी आई हुई हैं, बाकी भी आए हुए हैं, बच्चे भी आए हुए हैं जुमारात पे, बाहर भी लोग हैं। इंतजाम वगैरह कर लिया है ना? जी जी, हाँ। तो मैं बस उस साइड पे जा रहा हूँ, फिर हम जो है ना इंशाल्लाह ये घर का विजिट भी करवाएंगे, फिर साथ दिखाते हैं। शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया, आप अपना काम करें, दुआएं 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 दुआएं, आमीन, आमीन। अल्लाह पाक, अल्लाह पाक हर मुसलमान को सुख सियत देवे, अल्लाह पाक हर मुसलमान की खैरियत करे, अल्लाह ताला तुहाडे भी जड़े दुखड़े इन को दूर करे, आमीन आमीन। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह बाहर आ चुके हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दो देगे पक चुकी हैं, आसिफ भाई भी मौजूद हैं, इंतजामात वगैरह करवा लिए आसिफ भाई? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है?
अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, अल्लाह का करम है। तबीयत सेहत ठीक है, मैं भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप सुनाएं, आज आप वैसे टाइम पे आ गए हैं। मैं टाइम से आधा घंटा पहले आया हूँ आज। नहीं, पहले इस टाइम खत्म से भी पहुँचते हैं तो आज थोड़ा सा जो है ना चढ़ोया साहब लेट हो गया ना, तो अच्छा। अभी जो है ना असर की नमाज का टाइम होने वाला है, तो असर की नमाज पढ़ के जी फिर आके इंशाल्लाह देगे भी तैयार हो जाएंगी। हाँ। फिर जो लोग आए हुए हैं वो असर की नमाज अभी पढ़ लेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। साथ ही मस्जिद है जी। ये जो है ना ये मतलब भाई वगैरह आए हुए हैं जो बैठे हैं, तो हम चाहते हैं कि नमाज के बाद ही, क्योंकि असर की नमाज के बाद जो खाने का अहतमाम होगा उसमें वैसे बरकत भी ज्यादा होती है। वो बरकत तो खाने में होती है, लेकिन वो ये होता है कि वो वजू करके नमाज पढ़ते हैं, फिर नमाज पढ़ के इधर आते हैं, तो फिर जो है ना वजू के साथ ये बहुत ही अच्छी बात है ना। बहुत अच्छी बात है। तो जी ये दम में तकरीबन भाई ने बोला है आसिफ भाई, ये देखिए चाय 10 मिनट का टाइम है, 18 मिनट है, तो जी कहते हैं 4:30 बजे दम खोल के दूंगा। अच्छा। तो जमात भी 4:45 होती है। बस ठीक है, नमाज पढ़ के यानी कि शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो जी इंशाल्लाह नमाज पढ़ के शुरू करेंगे। जुमरात की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, तो लोग भी आ चुके हैं। अल्लाह ताला करम करे और अल्लाह ताला जो है ना इस दावत को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। उधर की बात है, जब गोश्त डालते हैं ना उसके बाद जब तो चावल लोगों के अंदर रोटियां नजर ही नहीं आती। कुदरती बात है, ये धुएं की वजह से नजर नहीं आ रही यहाँ से भाई जी। धुआं है ना, आपको पता है दम पे था, जब दम निकालते हैं ना तो बहुत ज्यादा धुआं होता है, इस वजह से जो है ना बोटियां नजर नहीं आती। मतलब आती भी हैं तो वो छोटी हो जाती हैं। ये देखें तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और बहुत ही खूबसूरत चावल पके हुए हैं। قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام لم يا رب ذو الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا ستار يا غفار يا رب العالمين يا الله جتنا كلام پاک پڑھا ختم شریف پڑھا کل شریف پڑھا درود پاک پڑھا جتنا کچھ جتنے میرے بھائیوں نے میرے مل کے کل شریف پڑھ دے فاتحہ پڑھ دے سورۃ یا اللہ اخلاص پڑھ دے درود پاک پڑھ دے میرے مل کے یا اللہ ختم شریف پڑھا گئے مختلف مقامات توں آیات تلاوت کی تے یا اللہ کلام پاک تو ثواب اس حاضر اشاد ثواب فرقہ ثواب یا اللہ لنگا ثواب یا اللہ پانچ ثواب یا اللہ بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ تن تحفہ تن نذرانہ تن عقیدہ تن پیش کرنا قبول ہو جائے آمین یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی طفیل تمام دے اکرم تمام صحابہ اکرم تابعین تبع تابعین ازواج مطہرات اور عزام اہل بیت عزام شہداء کرام تمام مومنین تمام مومنات تمام مسلمین تمام مسلمات تمام سلاسل کے بزرگان دین دی حق جنہ قبول یا اللہ بالخصوص اس کلام دے ثواب ختم شیر دے ثواب اہتمام دے ثواب لگا دے ثواب یا اللہ پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے نال وسیلہ نال پنجتن پاک دے صدقے نال شہداء کربلا دے صدقے نال 1,30,000 پیغمبر دے صدقے نال یا اللہ بالخصوص بھائی محمد سعید مرحوم و مقبوض روح کو یا اللہ
इरफाना बीबी तो जी अल्हम्दुलिल्लाह चावल भी आ चुके हैं और बच्चे भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा खुश हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से देखे तैयार हो चुके हैं। आसिफ भाई खुद आज बैठे हैं और खत्म भी अल्हम्दुलिल्लाह से पढ़ चुके हैं। खाना आप सब इधर से हम भी इधर बैठे हैं। ये देखिए ये बिरयानी आज तो जी अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ भाई आज माशाल्लाह माशाल्लाह खुद जो है ना वो दावत चला रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है आसिफ भाई और मैनेज भी कर रहे हैं साथ साथ में क्योंकि कुछ मतलब औरतें भी आई हुई हैं तो उनको खाना हाँ हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो माशाल्लाह। अल्लाह ताला जो है ना इस जुमरात को कबूल फरमाए सुम्मा आमीन। ये उठा लेते हैं ये रख दो। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से हम घर वापस आ चुके हैं और जो है ना दावत भी अब खत्म हो चुकी है और सब घरों में भी तकसीम कर रहे हैं। वहाँ भी काफी सारे लोग आए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही सही हो गया है माशाल्लाह। बहुत अच्छी दावत रही है अच्छी दावत रही है बहुत ही अच्छा लग गया है और अल्लाह ताला ये दावत कबूल करे आमीन। खाना के लिए भी आप सब बहन भाइयों ने दुआ करनी है हमने बहुत दुआ की है जी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे क्योंकि अब मैं घर आई हूँ तो कपड़े भी चेंज कर लिए टाइम भी काफी हो गया है। तो अपना ख्याल रखे अपने से ज्यादा से ख्याल रखे और अच्छे से कॉमेंट्स कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि अच्छी सी वीडियो आप सब हमारे तक पहुँच सके। जी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ओके जी अल्लाह हाफिज़।